वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम शुरुआत करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आ जाए नीट स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। देखो, ओरिजिन ऑफ लाइफ से क्वेश्चन आते रहे हैं, पर्टिकुलरली वो जो एक्सपेरिमेंट बताया गया है मिलर्स एक्सपेरिमेंट, उससे क्वेश्चन आते रहे हैं क्या क्या कंडीशन थी। तो हम शुरू से देख लेते हैं, उसको हम आखिरी में डिस्कस करेंगे, क्योंकि शुरू से देखो तो द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ठीक है, 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इतनी पुरानी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी आई द ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, द बिग बैंग थ्योरी, इसने कहा था कि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिससे कि पूरे यूनिवर्सिटी में अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग जो तुम्हारे प्लैनेट्स हैं वो क्रिएट हो गए, और ह्यूज एक्सप्लोजन था ये, ठीक है, फिजिकल टर्म्स में। तो यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम बने, उसके बाद तो गैसेस कंडेंस हुए ग्रेविटेशन के चक्कर से, गैलेक्सीज बनी, उसके बाद इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सीज, ठीक है। तो अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फाउंड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक, ये क्वेश्चन आ चुका है। तुम्हें ये सीधा सीधा ये फिगर ध्यान रखना है, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक अर्थ कब बना, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक, ये तुम्हें पॉइंट ध्यान रखना है। अब हम आ रहे हैं कि देयर वॉज नो एटमोसफेयर ऑन अर्ली अर्थ, पुराने अर्थ पे एटमोसफेयर नहीं था। तो वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम द मॉल्टन मास कवर्ड द सरफेस, ठीक है। ये पुरानी पुरानी थ्योरीज है, लेकिन इसका भी बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यूवी लाइट जब एनर्जी होती है तो उसने क्या किया, जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वेपर के, उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल दिया, एंड लाइटर हाइड्रोजन एस्केप्ड, हाइड्रोजन उड़ गई, ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर। तो ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन करी थी, अमोनिया और मीथेन के साथ, तो वाटर बना था, CO2 एंड अदर प्रोडक्ट भी बने थे। तो ओजोन लेयर बनी, ठीक है जी, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक की बात चल रही। एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल्स एज रेन, जब ठंडा हुआ तो पानी बरसा, टू फिल द डिप्रेशन, और वहाँ से तुम्हारे बने समुद्र। तो कहते हैं भैया समुद्र कैसे बने, देख लो जो बायोलॉजी कह रही है। तो एक जो अर्ली ग्रीक थे वो कह रहे थे कि स्पोर से आई है लाइफ, कि वो अलग दूसरे प्लैनेट से आए, एक ये भी थ्योरी है। तो पैनस्पर्मिया बोलते हैं इसको, ठीक है जी। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज ऑल्सो बिलीव्ड दैट लाइफ केम आउट फ्रॉम डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ, मड एक्सेट्रा, दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो भाई बहुत सारी थ्योरीज आई है कि स्पॉन्टेनियस की लाइफ अपने आप बन रही है, अब अपने आप कैसे बन जाएगी, लेकिन उस टाइम लोग बिलीव कर रहे थे। तो लुईस पैश्चुअर, ये जो हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया था इस थ्योरी को कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो नहीं सकती। बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ केम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, और ये सच भी है। तो ही शोड दैट इन प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क लाइफ डिड नॉट केम फ्रॉम कील्ड ईस्ट। तो एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर कील्ड ईस्ट डाली और उसको पूरी तरीके से ढक दिया, तो देखा लाइफ नहीं आई, ठीक है जी। और एक दूसरा फ्लास्क लिया जो कि ओपन था एयर से, तो उसमें नए ऑर्गेनिज्म आ गए कील्ड ईस्ट से। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस्ड, खत्म हो गई। अब देखो, केमिकल थ्योरी ऑफ लाइफ ओरिजिन, तो ओपेरिन और हेल्डन इन्होंने प्रपोज किया था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो है SL मिलर ने वेरीफाई किया था। थ्योरेटिकली ओपेरिन एंड हेल्डन ने दिया था भाई कि जो केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ दिया था इन्होंने, लेकिन जो तुम्हारा SL मिलर जी हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया था, ये डिफरेंस है। तो इन्होंने क्या कहा था, दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, RNA, प्रोटीन एटसेट्रा। तो ये ओपेरिन और हेल्डन हाइपोथेसिस, हॉट डाइल्यूटेड सूप वर्ड भी एक बहुत ही फेमस वर्ड है, एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रीसीडेड बाई केमिकल इवोल्यूशन, उसके बाद केमिकल इवोल्यूशन हुई, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुए फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो कंडीशंस क्या थी उस समय अर्थ पे, बहुत हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक स्टॉर्म्स थे,
उसके बाद रिड्यूसिंग एटमोसफेयर की बात हो रही है। क्या क्या कंटेनिंग था? मीथेन था, अमोनिया था, दो गैसेस हैं लेकिन और भी गैसेस हैं, वाटर वेपर्स है और हाइड्रोजन भी। तो इस तरीके से बहुत सारी गैसेस थी जो कि अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, हम देखेंगे। तो 1953 में एस एल मिलर, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेम कंडीशन बना दी लेबोरेटरी स्केल में। उन्होंने क्या किया, ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग, ठीक है जी, देखो अमोनिया नहीं मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर 800 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ, ये देखो ये इनका एक्सपेरिमेंट है, बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट, इवोल्यूशन में बड़ा ही चलता है इनका एक्सपेरिमेंट, इसी को माना जाता है आधारशिला। तो देखो ये है चैम्बर, ठीक है, इसमें है चार गैसेस, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन, चार गैसेस हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इनमें जो है बहुत हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज, और इसका जो टेम्परेचर मेंटेन किया गया है वो 800 डिग्री सेल्सियस, स्पार्क डिस्चार्ज यहाँ पे होगा जिससे कि एनर्जी आएगी। तो जब हाई टेम्परेचर से कोई चीज़ नीचे आएगी तो उसको वाटर जो है कंडेंसर के थ्रू उसको कूल किया जाएगा, ठीक है, यहाँ से वाटर जा रहा है, यहाँ से वाटर निकल रहा है, तो बीच में जो भी आएगा वो ठंडा हो जाएगा। अब ये नीचे कलेक्शन प्लेट यहाँ लगी हुई है तो इसमें ये कलेक्ट होते जा रहे हैं। तो ये है वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसके अंदर से ये सैंपल निकाल निकाल के देखते हैं और यहाँ पे देखा गया कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए। तो इससे प्रूव हुआ कि भैया ये कंडीशन जो थी इस कंडीशन से लाइफ बनी है। यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है जो कि आपका वेपर का सोर्स है। तो ये था यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी, एस एल मिलर भी एक्सपेरिमेंट है ये। तो ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स भी बने थे इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट, अदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ सुगर्स, नाइट्रोजन बेस्ड पिगमेंट्स एंड फैट्स, दूसरे टाइप के भी एक्सपेरिमेंट लगाए गए जिसमें कि सब देखा गया। तो ये कहानी थी भैया मिलर एक्सपेरिमेंट, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट इवोल्यूशन का। तो इस तरीके से जो हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ है इसमें अलग अलग थ्योरीज हैं, तो हमने उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस किया है जो कि तुम्हारा NCERT में दिया हुआ है। तो नीट के अंदर NCERT से ही पूछ रहे हैं, तो अल्टीमेटली दैट यू विल बी बेनिफिटेड। थोड़ा दो चार लाइन और पढ़ लेते हैं इसकी। तो एनालिसिस ऑफ मेटियोराइट कंटेंट ऑल्सो रिवील, देखो मेटियोराइट क्या होते हैं, दूसरी जगह से आते हैं, ठीक है जी, एक एस्टेरॉइड्स होते हैं, एक मेटियोराइट्स होते हैं। ऑल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेसेस आर ऑकरिंग एल्सवेयर इन द स्पेस। अभी देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अभी भी तो कहीं ना कहीं स्पेस में, मतलब यूनिवर्स में कहीं ना कहीं ऐसी जगह होगी जहाँ पे ये इवोल्यूशन चल रही होगी, कोई नया प्लैनेट बना होगा उस पर लाइफ फॉर्म इवॉल्व हो रही होगी। तो वही बात है कि ढूंढने वाली बात है। तो विद दिस लिमिटेड एविडेंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजेक्चर्ड स्टोरी केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड। तो ये कहानी आ चुकी है, केमिकल इवोल्यूशन को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया और अभी तक एक्सेप्टेड है। तो ये थी कहानी ओरिजिन ऑफ लाइफ की, तीन चार थ्योरीज थी, कुछ पॉइंट्स थे, कुछ फिगर्स थे, तो उसको आप ध्यान से याद रखें।